हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेके भोपी की तरफ से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स 2023 के एडमिशन के रिगार्डिंग में दोस्तों जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया था उसका यहाँ पर रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर आप रिजल्ट की डेट भी देख सकते हो दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग में कोई भी ऑब्जेक्शन होगा दोस्तों तो आप यहां पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो डाल सकते हो, जिसके लिए आपको यहां पर 1000 रुपये जो है वो लगने वाला है। और ये 1000 रुपये जो है आप किस तरीके से दोस्तों पे कर सकते हैं, तो इसके लिए यहां पर POS मशीन जो कि अवेलेबल होंगी भोपी ऑफिस श्रीनगर में भी और भोपी ऑफिस जम्मू में भी ये POS मशीन अवेलेबल होंगी, जिसके थ्रू आप यहां पर 1000 रुपये इसके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए पे करोगे, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों 3 दिन दिए गए हैं, जैसे कि अगर 26 तारीख को रिजल्ट आपका यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है तो 27 तारीख तक आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, 28 को भी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग में, और 29 तारीख भी आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। नीचे यहाँ पर लिखा है कि जो काउंसलिंग शेड्यूल रहेगा पोस्ट बेसिक बीएससी कोर्स नर्सिंग कोर्स की एडमिशन के रिगार्डिंग में जो काउंसलिंग शेड्यूल है ये अलग से आपको बताएंगे दोस्तों, जिसके लिए आपको यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहना पड़ेगा किसी भी फर्दर अपडेट के लिए इस रिगार्डिंग में, ठीक है। आप नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम प्रोविजनल लिस्ट देख लेते हैं जो इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2023। सबसे पहले नंबर पर देख लीजिए, यहाँ पर रोल नंबर लिखा है उरूज मुश्ताक जी, यहाँ पर नेम है, फीमेल कैंडिडेट हैं ये, ओपन मेरिट कैटेगरी में ये आते हैं, यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है और 120 जो मार्क्स हैं दोस्तों इसमें से इन्होंने कितने ऑब्टेन किए हैं, 97.75 मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किए हैं, रैंक इनकी यहाँ पर फर्स्ट बताई है, ठीक है। इस तरीके से ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए कि आपका कितना स्कोर आया है और आपकी क्या रैंक रही है। तो नेक्स्ट जब ये काउंसलिंग शेड्यूल जो है निकालेंगे उसमें ये मेंशन करेंगे कि कितनी रैंक तक जो है ये आपको काउंसलिंग में बुलाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप यहाँ पर कमेंट के ज़रिए जो है वो अपनी रैंक या फिर स्कोर यहाँ पर शेयर कर सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच।